हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हरियाणा पीएससी का अभी लेक्चरर का एग्जाम हुआ था उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जो रिटर्न एग्जाम हुआ था 100 मार्क्स का, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस रेंज में रह सकता है। ठीक है, तो चलिए कुछ बातों को डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कितना हो सकता है। याद रखिए, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने हिसाब से अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये आप मेरा कंक्लूजन किसी पर बाध्य नहीं है, मैं बस अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पोस्ट की बात करें, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, तो लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग के 38 पोस्ट था जनरल के लिए। बाकी अगर सभी पोस्ट को कंबाइन कर लो तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 77 है। ठीक है, बट अगर आप जनरल कैटेगरी में 38 है और एससी है तो 17 है हरियाणा के लिए। याद रखना, एससी सिर्फ हरियाणा के लिए, बीसीए के लिए 9 है, बीसीबी के लिए 5 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है। ठीक है, तो ये टोटल सीट का डिटेल है, आप सभी देख सकते हो, सभी ब्रांच के लिए यहाँ पे क्लियर है। अब बात करते हैं कुछ और मुद्दों पे। रिसेंटली चूंकि एग्जाम हुआ नहीं है तो पास डेटा हमारे पास नहीं है, बट बाकी जो हम यूज कर सकते हैं वो देख सकते हैं कि क्या क्या पेपर का लेवल था और किस हिसाब का था। पेपर लेवल मेरे हिसाब से, मैंने सोल्यूशन भी डाल रखा है, आप लोग चाहो तो सोल्यूशन देख सकते हैं अगर आपने एग्जाम दिया है तो। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, पेपर ना बहुत ईजी था ना बहुत ही टफ था, मतलब इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं। कुछ क्वेश्चन को मॉडरेट लेवल में डाल सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं। मोस्टली थियोरिटिकल क्वेश्चन था, कुछ न्यूमेरिकल से, बट न्यूमेरिकल भी डुएबल था, ऐसा नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट था। बट इसमें दिक्कत क्या हुआ है कि जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी उनके लिए थोड़ा नुकसानदेह रहा है कि उन्होंने मैक्सिमम मतलब कन्फ्यूजन के चक्कर में प्लस माइनस किया है, तो क्वेश्चन तो सभी के गलत हुए हैं, 2-4-10 क्वेश्चन। दूसरा, इससे पहले निगेटिव मार्किंग हरियाणा के एग्जाम में नहीं हुआ करता था, बट इस बार उन्होंने निगेटिव मार्किंग, बट पेनल्टी थोड़ा कम है, 0.25 है, मतलब 4 में से 1 मार्क्स आपका कटेगा 4 क्वेश्चन गलत होने पर, तो ये थोड़ा लूज मार्किंग है। ठीक है, मतलब लूज निगेटिव मार्किंग इन्होंने अप्लाई किया। अब बात करते हैं कि बाकी पास्ट क्राइटेरिया देखते हुए या फिर अदर स्टेट के एग्जामिनेशन देखते हुए या फिर जो कंपटीशन लेवल है उसको देखते हुए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। मेरे हिसाब से आउट ऑफ द 100 मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये रह सकता है कि 80 to 85 मार्क्स। ये हायर साइड है, याद रखिएगा, ये हायर साइड है, डिपेंड करता है कि एक्चुअल कितने मार्क्स आ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि एक्चुअल मार्क्स कितने हैं, बट मेरे हिसाब से 80 to 85 मार्क्स के बीच में ही रहना चाहिए जनरल कैटेगरी के। दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, अदर कैटेगरी के लिए उसके हिसाब से आप कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 80 to 85 मार्क्स के बीच में रहेगा। अगर आपके 85 या 85 से प्लस आ रहे हैं मार्क्स तो यू आर इन सेफ जोन, आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। अगर 80 से कम है तो मेरे हिसाब से चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा डाउन जरूर था, पेपर का लेवल उस हिसाब से नहीं था कि डुएबल ना हो, बट आपको ये भी देखना है कि इसमें चूंकि एमटेक उन लोगों ने एलिजिबिलिटी रखा था कि मिनिमम एमटेक होना चाहिए, इसलिए थोड़ा कंपटीशन जरूर कम है बाकियों से। मैं ये बात भी एग्री करता हूँ आपसे 100%, बट कंपटीशन भी देखते हुए क्योंकि लोग तैयारी भी कर रहे हैं, 80 मार्क्स एक लोअर रेंज रखते हैं और 85 एक हायर रेंज रखते हैं, आप अपने आप को काउंट कर सकते हो। अगर 80 के आसपास भी आ रहा है आपके मार्क्स तो यू कैन कंसीडर योरसेल्फ इन द सेफर जोन। ये था मेरी तरफ से, थैंक यू ऑल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।